मंदिर मस्जिद से जो है कोई जो है आगे विकास का या जो है मानवता की जो है विकास नहीं हो सकता, ये बात लोगों की धीरे धीरे समझ में आ रही थी। तो मंदिर बने या मस्जिद बने उससे कोई देश का विकास तो हो नहीं रहा, और लोगों की समस्या है उससे कोई समाधान नहीं हुआ। वो एक आस्था का सवाल है, लोगों ने उसको आस्था के सवाल को राजनीतिक रूप दे दिया है। मंदिर का कोई विरोध थोड़ी कर रहा है, मंदिर बने लेकिन मंदिर के नाम पर जो राजनीति हो रही है वो है खतरनाक। जो है आज तो स्थिति ये है कि बीजेपी के जो नज़दीक चला जाएगा वो पवित्र हो जाता है, कितने पाप करिया है वो, कितने जो है अपराध कर ले वो, अगर बीजेपी की सदस्यता उसने ग्रहण कर लिया, बीजेपी के नज़दीक वो चला गया तो सारे पाप तो वैसे ही धुल जाते हैं उसके। विकास दुबे की हत्या इसलिए कराई गई कि राजनेता बच जाएं, पुलिस के आला अफसर बच जाएं। अपराधियों को पैदा कौन करता है? अपराधियों को सत्ता ही तो पैदा कर रही है और पुलिस पैदा करती है, ये उनको सपोर्ट करते हैं, ये इनको पालते और पोसते हैं। सरकार की गुंडागर्दी है, सरकार ही गुंडागर्दी कर रही है। विकास दुबे में और उत्तर प्रदेश की सरकार में फर्क क्या है? विकास दुबे भी कानून की धज्जियां उड़ा रहा था, अपराध कर रहा था, और जिस तरह सरकार ने उसका एनकाउंटर किया उसमें भी सरकार ने कानून की धज्जियां उड़ाई और जो है कानून व्यवस्था को बिल्कुल ताक पर रख के उसकी हत्या की। बदमाश को मारना सरकार या जो पुलिस का काम नहीं है, उसके लिए हमारे देश में एक व्यवस्था है, सिस्टम है। कोई बड़े सा बड़ा भी अपराधी है तो उसको किसी को हक नहीं है कि उसको उठा करके मार दिया जाए, उसके लिए कानून बना, संविधान बना और संविधान के अंदर जो व्यवस्थाएं दी गई है उसका पालन करना होता है। समय जो सरकार की चिंता है वो जनता के मुद्दों पर नहीं है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को किस तरह गिराया जा रहा है, ये तो पूरा लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कि जनता ने वोट किसको दिया, आप जो पैसे की बदौलत जो है सरकार को तोड़ कर विधायकों को खरीद कर और अपना सत्ता कायम करना चाहते हैं, तो लोकतंत्र को पूरा मजाक उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म कर दिया जा रहा है, और जो लोग विरोध करते हैं उन पर जो है तमाम तरह के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हक के लिए कोई आवाज़ उठाता है तो उसको जो देशद्रोही कहा जा रहा है, तो देश के अंदर एक बहुत ही बदतर स्थिति बनती जा रही है और आम आदमी इसमें पिछकर रह गया है। वो बोल तो नहीं सकता, बोलेगा तो जो है उसके ऊपर लाठियाँ बजेंगी या जो देशद्रोह के मुकदमे बनेंगे या जो है गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे बनेंगे, ये तमाम चीज़ें हो रही है। और इस बीच में देखें आप, महिलाओं के ऊपर हिंसा के मामले बढ़े हैं, दलितों पर इस बीच में अत्याचार की घटनाएं रोज आ रही हैं, आप तमाम अखबारों में, मीडिया में तमाम सब में है वो चीज़ें कि किस तरह हो रही है। और तो और जो उत्तर प्रदेश में अभी जिस तरह उन इनकाउंटर का दौर चल रहा है कि जो है विरोधियों को इनकाउंटर करके जिस तरह ख़त्म किया जा रहा है, और जो सिस्टम अपनाया जा रहा पूरी तरह जो है अलोकतांत्रित है। अभी विकास दुबे का ही मामला ले लीजिए, विकास दुबे को जिस तरह इनकाउंटर किया जाए पूरा देश जानता है सब फर्जी है। हम विकास दुबे के जो है पसदर नहीं है, विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसको दंड मिलना चाहिए उसके कामों का। बड़ी बड़ी घटनाएं देश में हुई है, देखा होगा आपने, हमारे आतंकवादी जैसे जो है जिन्होंने पूरे हमारे देश के ऊपर हमला किया, कसाब जैसे मामले में जो उसको जो है इनकाउंटर तो नहीं किया गया, कानून ने उसको सजा दी, आखिर मौत की सजा मिली उसको। देखो न्याय व्यवस्था पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि हर चीज़ का राजनीतिकरण हो गया है। पुलिस है एक अलग जो है स्वतंत्र फंक्शन है उसका, कोई भी सरकार आए जाए उसका अपना काम वो करती है, लेकिन आज पुलिस की स्थिति ये हो गई है अगर सपा की सरकार बन जाए तो सपा की पुलिस हो जाती है और भाजपा की सरकार बन गई तो भाजपा की पुलिस हो जाती है। तो पूरा तंत्र का जो जिस तरह राजनीतिकरण हुआ है उसने पूरे सिस्टम को बिगाड़ दिया है हमारे, और न्यायपालिका भी उससे प्रभावित है। न्यायपालिका भी वर्तमान राजनीतिक हालात और तमाम चीज़ों को से प्रभावित होकर के बहुत सारे निर्णय लिए आ रहे हैं सामने जो राजनीतिक जिसे प्रेरित होते हैं, तो न्यायपालिका में भी आज के इस दौर का जो फर्क है और वो जो दिखाई देता है बहुत सारे जजमेंटों में और बहुत सारे निर्णयों में,
केंद्र की सरकार भी विफल है, हमारे प्रदेश की सरकार भी हर मोर्चे पे विफल रही है। ना ये जो किसानों को सुरक्षा दे पाए, ना मजदूरों को सुरक्षा दे पाए, ना लोगों को रोजगार दे पाए, ना महंगाई कर दे पाए और ना अच्छी कानून व्यवस्था दे पाए। लोगों ने जो उम्मीद की थी, लोगों को जो विश्वास था कि जो है देश में अमन शांति बनेगी, कानून व्यवस्था का राज होगा, रोजगार पैदा होंगे, विकास होगा, तो वो तो कुछ हुआ ही नहीं। देखो आज तो जो लोग सत्ता में हैं उनके लिए सेकुलर जो है शब्दी जो है अपने आप में बहुत जो है खटकता है, तो सेकुलर तो वो है ही नहीं, सेकुलरिज्म के खिलाफ है और सेकुलर के पक्ष में जो लोग बोलते हैं उसके तो वो खिलाफ ही है। बाकी जाना ना जाना तो उनके विवेक पर निर्भर करता है और जो है मंदिर के पीछे जो राजनीति है वो उसका हिस्सा है, तो प्रधानमंत्री तो उस नज़रिए से जाएंगे। देखो आज जो देश में हालात है, रोजगार की जो बात उठाता है वो कोई खबर नहीं होती, अपने हक के लिए लोग लड़ते हैं वो कोई खबर नहीं बनती, मजदूर अपने हक के लिए आवाज़ उठाता वो कोई खबर नहीं बनती, कोई मंदिर का मसला है, कोई इस तरह के मसले हैं वो एक बड़े खबर के रूप में आते हैं, तो इसलिए लगता है कि जो है आवाज़ नहीं उठ रही, जबकि देश में लगातार मजदूर भी, किसान भी, महिलाएं भी, सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वो आवाज़ दब के रह जाती है। आज जिस तरह मीडिया का जो है एक हालात बने हैं कि एक पक्षीय जो है दिखाने की जो कार्रवाई होती है और सत्ता के नज़दीक रह करके बड़े चैनल और बहुत सारे जो है छोटे चैनल भी जो है वो सत्ता के साथ रह कर सत्ता जो कह रही है कि सरकार जो कह रही है वही दिखाना चाहते हैं, सरकार की नाकामियों को दिखाना नहीं चाहते, सत्ता सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है उसको दिखाना नहीं चाहते। और दूसरा प्रचार बहुत है क्योंकि इनके पास पैसा है, तो आपने देख लिया एक एक विधायक को जो 35-35 करोड़ में खरीद सकते हैं, तो इनके पास पैसे की कमी नहीं। पूरे कोरोना काल में आप देखें तो तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सबके जो रास्ते बंद थे, गेट बंद थे, और जनता को ये महसूस हुआ कि मंदिर से, मस्जिद से हमारी समस्या का समाधान नहीं होना है, हमारी समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीके से देश के विकास में, हॉस्पिटल के निर्माण में, अच्छे हॉस्पिटल बने, अच्छे विद्यालय बने, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, उससे हमारी समस्याओं का समाधान होगा और उससे रास्ता निकलेगा। मंदिर मस्जिद से जो है कोई जो है आगे विकास का या जो है मानवता की जो है विकास नहीं हो सकता, ये बात लोगों की धीरे धीरे समझ में आ रही थी। तो दोबारा से जो है एक आस्था को माहौल बनाया जाए और राजनीतिक रूप दिया जाए उसको, तो वो मंदिर के नाम पर किया जा रहा है, मंदिर के सवाल पर ही आज जो लोग सत्ता में हैं उसी के सहारे आए हैं और लंबे समय से उसका इस्तेमाल किया गया है और अभी भी किया जा रहा है। धर्म के नाम पर जिस तरह की राजनीति शुरू हुई है वो खतरनाक है, कोई भी धर्म है, कोई भी धर्म जो है इंसानियत के खिलाफ नहीं है, मानवताओं के खिलाफ नहीं है, सब धर्मों का सार तो एक ही है, लेकिन धर्मों को जो जिस तरह आज इस्तेमाल किया जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ और जो है इंसान से इंसान को लड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, समस्या वहाँ से पैदा होगी। सर दिल्ली में जो मरकज वाला मैटर था जिसमें निजामुद्दीन में जो कुछ मुस्लिम अनुयायी जो है अपने मरकज में गए थे और पूरे देश की मीडिया ने यह आरोप लगाया था कि ये कोरोना लेकर आए हैं, इन्होंने देश में कोरोना फैलाया है, लेकिन पिछले दिनों बिहार के जो पूरे जो बिहार की बीजेपी जो टीम है सबको जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो क्या लगता है क्या ये लोग ये भी खुद कोरोना फैला रहे हैं बीजेपी वाले? देखिए ये तो जिस तरह सरकार इस आपदा से निपटने में विफल रही और जिस तरह जनता में गुस्सा पैदा हो रहा था उसको डाइवर्ट करने के लिए ये मरकज और ये सवाल पैदा किए गए और प्रचारित किए गए। मरकज में कार्यक्रम करने की अनुमति किसने दी? सरकार ने दी। देश में आने की इजाज़त किसने दी? सरकार ने दी। तो इजाज़त सरकार ने दी, सरकार के जानकारी में वो कार्यक्रम हो रहा था, क्यों लोगों को बाहर से आने दिया गया, क्यों कार्यक्रम की अनुमति दी गई? तो ये तो सवाल ऐसे हैं कि जिसको जो है बेतुके तरीके से जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सिर्फ जो जनता का ध्यान हटाने के लिए जो मरकज और ये किया गया, जबकि हकीकत ये है कि जो है सरकार जो है सही समय पे जो कदम उठाने में कामयाब नहीं रही। अगर समय से जो है सरकार कदम उठाती, बाहर से लोगों को आप बुला रहे हो, विदेशों में जो हमारे देश के नागरिक थे उनको आप बुला रहे हो,
तो कम से कम उनके चेकअप, उनको जो है 15 दिन रख करके इसके बाद ही जो घर जाने की इजाज़त दी जाती, आप बुला करके उनको सीधे अपने घरों में भेज दिया, तो फैला तो वहाँ से है भाई। बीमारी तो विदेशों से आई है ना, और विदेशों से किसने आने की इजाज़त दी? सरकार ने दी, और सरकार लेकर के आई। यहाँ प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन जो है विदेशों से, क्योंकि अमीर लोग थे, उनकी हिफाजत के लिए सरकार खड़ी हुई और उनको लेकर के आई। लाना हमको ये नहीं गलत किया, कैसे हो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ला करके जो व्यवस्था करनी चाहिए तो वो तो उनको करनी चाहिए थी ना, वो उनकी नहीं।